नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। फरीदी राष्ट्रीय मानवाधिकार डिप्टी कन्वीनर और राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी की ओर से गर्म कपड़े बांटने का कार्यक्रम हमने परसों से चालू कर रखा है और परसों से ठंड जैसे बढ़ी ऐसे ही हमने गर्म कपड़े बांटने का कार्यक्रम चालू कर दिया था। और हमारे डॉक्टर आनंद वर्धने जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज साहब, राष्ट्रीय मानवाधिकार के चीफ कन्वीनर, उनके दिशा निर्देश पे हम ये कार्य कर रहे हैं। और कोई मजबूर मजदूर और जो कपड़े खरीदने में असक्षम नहीं खरीद सकता उस तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और गरीब बस्तियों में भी जा रहे हैं। कल भी हम रुड़की भी गए, खजूरी गांव में भी गए और इसी तरीके से अपने कैंप कार्यालय पर हमने कार्यक्रम चालू है और भी आगे किस तरह कार्य हम करते रहेंगे। हमने 2000 टोपे मंगाए थे और बाकी अभी हम जर्सियों का और लोई का अभी ये प्रक्रिया हमारी जारी है और अभी इसे जितने भी हो सके, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हम सहयोग करने में